Point Gonzales. आलोक जी जी सर, कुछ बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं बिहार के पूर्वी जिले अररिया का निवासी हूँ। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अररिया के फॉरबिसगंज के स्कूल से ही की है। मैंने अपना स्नातक पॉल साइंस से किया है। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस जी। प्राचीन भारत में राजशास्त्र के बारे में कुछ बताइए। प्राचीन भारत में राजशास्त्र सर महाजनपद काल से शुरू होती है, जहाँ पर कि स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड हुआ। कि उस समय लगभग 16 स्टेट थे, जो कि मतलब एक एज मन जनपद कार्य कर रहे थे। स्टेट का कॉन्सेप्ट था उस समय, जनपद का कॉन्सेप्ट था, जनपद था ना जी। आप राजशास्त्र के बारे में कहीं से जानकारी मिलती है? राज अर्थशास्त्र से क्या मिलता है उसमें? उसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया गया है। यह कौटिल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वही तो, क्या उसमें बताया जाता है राज्य के बारे में? क्या है कि राजा राज के बारे में है कि राजा को किस प्रकार से अपना शासन करना चाहिए। राजा का नहीं, हम राज्य के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस है जी, तो आप राज्य के बारे में बताइए ना कि राज्य के बारे में पटेल क्या लिखते हैं अपने अर्थशास्त्र में। सॉरी सर, अभी पटेल ने कोई सिद्धांत दिया था जी? कौन सा सिद्धांत था? सप्तांग थ्योरी सर। सप्तांग में क्या है? सप्तांग थ्योरी में सर राजा राज्य के और उसके जो पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध के विषय में लिखा गया। सप्तांग थ्योरी में कि मंडल सिद्धांत? मंडल सिद्धांत में सर। सप्तांग में क्या है? सप्तांग थ्योरी में सर राज्य के विभिन्न अंग की संरचना के बारे में बताया गया सर। क्या? कि जैसे कि उसमें 7 एलिमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, मित्र और सेना। उसमें राज्य को क्या माना है? राज्य को सॉरी सर नहीं पता। आपका हॉबी है क्रिकेट खेलना जी। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से होती है? सर क्रिकेट की शुरुआत सर लंदन ब्रिटेन से होती है। सबसे पहला वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? पहला वर्ल्ड कप ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन में खेला गया था। कब? 1975 में सर। अच्छा, क्रिकेट में पहले व्हाइट जर्सी होता था जी, रंगीन कलरफुल जर्सी का कब से हम लोग को प्रमाण मतलब मिलने लगता है? कलरफुल जर्सी कब आया है? इसके बारे में क्योंकि आप हॉबी में दिख रहे हैं प्लेइंग क्रिकेट, तो आप इसका मतलब खेलते हैं, तो क्रिकेट की जानकारी भी होगी जी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। अच्छा, पहली बार 1992 वर्ल्ड कप में ये रंगीन जर्सी का शुरुआत हुआ, ठीक है। कैरी पैकर चैनल के जो जनक स्टेडियम है, तो उनके द्वारा या फिर डे नाइट क्रिकेट, ये सब चीज उन्हीं के द्वारा इनिशिएटिव ली गई। अच्छा, सचिन के बारे में कुछ जानते हैं? उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म इसलिए तो नहीं पता है सर, 24 अप्रैल को सर। 24 अप्रैल। आपका चॉइस क्या रखा है? फर्स्ट पोस्ट बीएस सर। इसका हायरकी क्या होता है, जानकारी आपको? सेक्रेटरी लेवल से सेक्रेटरी लेवल, फिर अनुमंडल में या फिर ब्लॉक में जी? तो ब्लॉक में सर RDO और CO होते हैं। अच्छा। उसके ऊपर SDM होते हैं, उसके ऊपर सर ADM और DM होते हैं, उसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे होते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी लेवल। अच्छा, ये आप प्ले क्रिकेट खेलते हैं, देखते भी हैं? दो चीज़ें हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अब तो नहीं देख पाते हैं सर, क्योंकि अब वो T20 फिर भी छोटा फॉर्मेट है, तो कभी देख लेंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ अपडेट है जी? अभी तो चल रहा है। कौन सा कैमरा नंबर का वर्ल्ड कप हो रहा है? ये तो एग्जैक्ट अभी नहीं पता, पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हर 4 साल बाद होती है। अच्छा, इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 2011 में जी, ठीक है। उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? युवराज सिंह रहे थे। ठीक है, पूछिए आप सर। कब का मैच आपने देखा? जी पूरा नहीं देखा सर, थोड़ा बहुत। तो आपको तो पता ही होगा कि
मैंने लगभग अपने विश्वकर्म अभियान के दौरान कितने वर्षों से ऑस्ट्रेलिया अपना पहला वर्ल्ड कप में मैच नहीं हारी थी, ये तो नहीं है क्या ऐसे 22 साल समाजवाद एक ट्रूप की तरह है, उसे हर कोई भूलता है जी। किसका स्टेटमेंट है? सॉरी सर, अभी तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। जॉन ऑस्टिन को जानते हैं जी? किस चीज के लिए जाने? जॉन ऑस्टिन ने स्टेट के सुधार दिया था। जॉन ऑस्टिन यह संप्रभुता की उन्होंने परिभाषा दी थी जी। किस पुस्तक में आप क्या दी थी? जॉन ऑस्टिन ने सर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सोवरेंटी का वो दिया था, पुस्तक एग्जैक्ट नहीं कर सकता। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस। ये बताइए कि प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार राज्य की, सॉरी सर, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है? शक्ति और सत्ता में पावर और अथॉरिटी सर, पावर किसी भी कार्य को करवा पाने की एक कैपेसिटी है सर, और अथॉरिटी जब उस पावर को लेजिटिमाइज कर दिया जाता है तो वो अथॉरिटी हो जाती है। यानी जब शक्ति प्राधिकार प्राप्त कर लेती है तो, जब कंसेंट प्राप्त कर लेती है तो। सर्वसत्तावादी सिद्धांत क्या होता है? सर्वसत्ता सर, एक बार इंग्लिश में आप बोल सकते हैं? टोटलिटेरियन। सर्वसत्तावादी सिद्धांत सर, जिसमें कि किसी भी मतलब जो सब्जेक्ट है उसके लाइफ के हर एक आस्पेक्ट को सरकार द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, मतलब स्टेट द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि ऑल इज विद इन इज, नथिंग इज आउटसाइड इज, एंड नथिंग इज अगेंस्ट इज। ठीक है, ये आप जहाँ से हैं वहाँ से एक फेमस जो कवि है आंचलिक उपन्यासकार, उनका जन्म फणीश्वरनाथ रेणु जी, उनका गांव कहाँ है? ओढ़ाही हिंगना से, सिमराई। अच्छा, पॉलिटिक्स जी, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या अंतर है? पॉलिटी एक तरह की संरचना है सर, और पॉलिटिक्स उस फंक्शन के रूप में कार्य करता है, और पॉलिटिकल साइंस इन सभी चीज़ों के अध्ययन को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटी में एक संरचना के विषय में पढ़ा जाता है, और पॉलिटिक्स में जो है डिसीजन मेकिंग के लिए जो पावर स्ट्रगल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर सर, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में जो पावर का सेपरेशन है उसके बारे में। तो वो जो है सेपरेशन ऑफ पावर जी, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा सर, इस भी नहीं पता सर। किस पुस्तक में? सॉरी सर, स्पिरिट ऑफ लॉज 1749। स्पिरिट ऑफ 1749। अच्छा, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है जी, ये जो है फ्यूजन ऑफ पावर से कैसे डिफरेंस है? सॉरी सर, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है जी सर? कैसे सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया सर? लेजिस्लेशन के लिए अलग से लोग हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, मतलब जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और एग्जीक्यूटिव जी और लेजिस्लेटिव जी दोनों को अलग अलग है, वो उसी का हिस्सा है जी, उसी का हिस्सा है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के लिए सर लेजिस्लेटिव भी है, ताकि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के लिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। बैलेंस तो यहाँ पे है नहीं, चेक्स एंड बैलेंस तो यूएसए में जी, यहाँ भी है सर, जैसे कि लेजिस्लेचर जो है मतलब उससे जो आर्टिकल 74 के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में के लेजिस्लेचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो उनके कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे तो वो लूज कर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और रूल स्टैब्लिश्ड बाय लॉ दोनों में क्या डिफरेंस है?
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब हुआ वो एक समग्र रूप है जिसमें प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और लॉ मस्ट बी जस्ट, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब हुआ कि जो भी कानून बन रहा है वो ड्यूली प्रोसेस के द्वारा हुआ है तो किसी भी तरह का कानून सही माना जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि न्यायाधीश प्राकृतिक कानूनों के आधार पर है ना, जो नल एंड वॉइड है अदरवाइज नहीं है उसके आधार पर उत्तर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ पर। और रूल इस्टेब्लिश बाई लॉ जो इंडिया में है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में, ठीक है। तो रूल इस्टेब्लिश बाई लॉ का मतलब ये हुआ कि जो विधि द्वारा स्थापित कर यानी जो चलते आई है ना उसके अकॉर्डिंग। अच्छा ये बताइए कि रूल इस्टेब्लिश बाई लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस स्थिति में, आर्टिकल 21। अच्छा ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं, और इक्वलिटी बिफोर और सर सेकंड पोर्शन क्या था सर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि अगर समान स्पेस में सब नहीं है, अगर कहीं पर इनइक्वालिटी है तो स्टेट इंटरवेंशन करके अफर्मेटिव एक्शन कर सकती है। अच्छा ये बताइए कि जो है विधियों का समान संरक्षण किसकी विशेषता है, किस देश की? विधियों का समान सर इंग्लिश में मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जी, ये किस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सर यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। उसके प्रोपाउंडर कौन थे? सॉरी सर एरिस्टोटल या अरिस्टोटल, ठीक है। और विधि के समक्ष समता के ब्रिटेन में ये इसके कौन प्रोपाउंडर थे? सॉरी सर ये तो एबी डाइसी। किस आर्टिकल में ये? आर्टिकल 14 में सर। अब जो है ये बताइए कि दोनों में नकारात्मक अभिव्यक्ति कौन है, सकारात्मक कौन है? सर इक्वलिटी बिफोर लॉ नकारात्मक अभिव्यक्ति है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सकारात्मक अभिव्यक्ति, क्योंकि इसमें स्टेट के रोल को उसमें देखा गया कि लेकिन इन दोनों में दिया गया है कि समानों में समान असमानों में समान नहीं जी, ठीक है। दोनों में क्या है कि समानों में समान नहीं उन्हीं के साथ, जो असमान है उसके साथ। जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति राज्यपाल या राजदूतों के समकक्ष नहीं है तो हमें वो उनके समान प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, वेटर।